अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि तुम सब लोग खैर खैरियत से होगे। सर, आज की क्लास में अपना आखिरी वॉल्यूम शुरू कर लेते हैं, जिसका नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। यानी अब जो मैं स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ाऊंगा वो होंगे ऑडिट नहीं, रिलेटेड सर्विसेज के ऊपर। सर एग्जाम्पल दें कि आपने क्या कहा। देखो यार, मैंने सबसे पहले कोड ऑफ एथिक्स करवा दिया, फिर मैंने आपको कहा कि मैंने जितने भी ऑडिट के रिलेटेड मंजन है वो मैंने आपको करा दिए। यानी ऑडिट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऑडिट वो हम कर चुके हैं जिसमें आप अश्योरेंस ऑप्टेन किया करते थे, जिसको मैं कहता था रीजनेबल अश्योरेंस, जिसको मैं बच्चों क्या कहता था, रीजनेबल अश्योरेंस। जो हम कहते थे कि भाई ये अश्योरेंस मैं दे रहा था किसी बेसिस फॉर ओपिनियन के बिना पे, यानी बेसिस के बिना पे, कि ये बेसिस थे, मैंने ओपिनियन इस बिना पे फॉर्म किया है। और मैं कहता था, मैं दे रहा था आज तक रीजनेबल अश्योरेंस। तो अब सर दोनों में मैच क्या, ज़रा इस बात को समझते हैं भाई। अगर आप याद करें, आपने जो पहला वॉल्यूम अभी मेरे साथ कवर किया, क्योंकि हमने तो रिवर्स सीरीज चलाई ना, पहले थर्ड वॉल्यूम कवर किया था हमने कोड ऑफ एथिक्स का, फिर हमने पहले वॉल्यूम पे है जिसमें ऑडिट की बातें होती हैं, अब बात हो रही है रिलेटेड सर्विसेज की। वो क्या है वो बताता हूँ, पहले उससे आप लिंकेज समझें, उससे पहले समझें कि हमने पहले क्या किया हुआ है। भाई पहले मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर आप ऑडिट करेंगे तो 700 की सीरीज़ को फॉलो करेंगे। ये रही, मैंने कहा अगर ऑडिट करेंगे और वो FS स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के लिए तहत बनाए गए हैं, यानी स्पेसिफिक यूजर्स की नीड्स को देखते वक्त, नॉट जनरल आवाम को देखते वक्त, तो फिर आपने जो ऑडिट करना था उसके लिए आपने एज अ 800 को एज अप्रोप्रिएट फॉलो करना था, जिसके अंदर आपकी मल्टीपल मंतकें आती हैं कि भाई आप कहते हैं कि मैं एम्फेसाइज कराऊंगा कि भाई ये जो FS है इस फ्रेमवर्क के तहत बने गए, ये किसी और के काम के नहीं है, ये सारी चीज़ें। और फिर अदर मैटर में ये भी बताता हूँ कि भाई मैंने एक जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के ऊपर भी रिपोर्ट दी हुई है जो कि इससे अलग है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हुई हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई आप स्पेसिफिक FS और एलिमेंट का ऑडिट करते हैं तो वो 805 के तहत करते हैं, और ऑडिटेड FS से जो समरी FS बनते हैं वो 810 के तहत बनते हैं, 810 के तहत बनते हैं। अच्छा, पर आप बखूबी देखें तो आपको याद आना चाहिए कि ये सारे रिलेट करते थे ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल FS, यानी हिस्टोरिकली जो FS बन गए उसका ऑडिट करना था, या हिस्टोरिकली जो FS बन गए थे उससे समरी FS बनी हुई थी उस क्राइटेरिया को चेक करना था। यानी डेट वॉज ओनली रिलेटेड टू ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल FS, ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल FS। अब जो रिलेटेड सर्विसेज है वो क्या, ज़रा उसकी बात और उसकी बुनियाद रख लेते हैं आज की क्लास में। भाई मैंने ये कहा, एक क्लाइंट मेरे पास आया, सही है जी। अब वो क्लाइंट आके मुझे कहता है, इसको ज़रा हम यहाँ पे अलग से देख लेते हैं। वो क्लाइंट मुझे आके ये कहता है कि भाई मुझे जो है, मेरे ये शेयर होल्डर्स हैं, ये शेयर होल्डर है मेरा, और ये शेयर होल्डर जो है ये फॉरेन शेयर होल्डर है। कौन सा शेयर होल्डर है भाई? फॉरेन शेयर होल्डर है। हमने बीइंग अ कंपनी एक डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो मैं कह रहा हूँ कि चलो भाई सही है, डिविडेंड डिक्लेयर किया तो इसमें मैं बीइंग एन ऑडिटर क्या कर सकता हूँ। वो कहता है जब मैं डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा हूँ तो मुझे इसको पैसा बाहर भेजना है, यानी ये पाकिस्तानी नहीं है, फॉरेन शेयर होल्डर है, फॉरेन रेजिडेंट है। तो जैसी बात है जब मैं पैसा बाहर भेजूंगा तो जैसी बात है उसमें कन्वर्जन इम्पैक्ट आएगा डॉलर रेमिट करने मेरे को, तो उससे पहले मुझे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि आप अपने ऑडिटर से मुझे ठप्पा लगवा के दें, मुझे सर्टिफिकेट लेके दें कि भाई वो जो फॉरेन शेयर होल्डर है, बात समझिएगा, वो जो फॉरेन शेयर होल्डर है उसने अपना एक ऑथराइज डीलर अपॉइंट किया हुआ। ऑथराइज डीलर मतलब ऑथराइज बैंक, जिस बैंक में ये पैसे जाएंगे, सही जी, उसके नाम पे, क्योंकि वो फॉरेन अकाउंट होगा, पहली चीज़। तो मैंने कहा कि भाई पहली चीज़ तो ये है, बैंक ये कौन कह रहा है? स्टेट बैंक कह रहा है। किसको कह रहा है? कंपनी को। किस कंपनी को? जिसने डिविडेंड रेमिट करना है, कि भाई ये आप ऑडिटर से ठप्पा लगवा के दो कि इसका अकाउंट, सही है जी, इसका अकाउंट रजिस्टर्ड डीलर के पास खुल चुका है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डिविडेंड की अमाउंट वेरीफाई करवा के दो,
तीसरी चीज़, ये वेरीफाई करवा के दो कि ये जो डिविडेंड आप जिस शेयर होल्डर को दे रहे हो, ये शेयर उसी के नाम पे हैं। सही है जी? तो हम ये कहते हैं कि उसने इंश्योर करवाना है दैट दीस शेयर्स आर इन द नेम ऑफ शेयर होल्डर। यानी ये रजिस्टर उसके नाम पे हुए हैं, ये रजिस्टर उसके नाम पे हुए हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें कौन कह रहा है? सर, ये सारी चीज़ें कह रहा है SBP, और SBP कह रहा है सर मेरे क्लाइंट को। SBP कह रहा है मेरे क्लाइंट को। अब मुझे आप एक बात बताएं, ये जो मेरा क्लाइंट है बेचारा, ये ABC लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, कोई भी मेरा क्लाइंट है, अब इसकी मजबूरी है कि इससे ऑडिटर के पास आके ठप्पा लगवाना है कि ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो वो ये बोलेगा कि भाई ऑडिटर भाई, आप मुझे ये वेरीफाई करके दो। तो मेरा सवाल क्या होगा, क्या ऑडिट करके दो? बोलेगा नहीं भाई, ऑडिट नहीं करना। अगर ऑडिट होता तो वो ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होता, दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ अदर देन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। पर वो मुझसे एक इंगेजमेंट कर रहा है जो कि एक रिलेटेड सर्विस है, वो मुझसे एक सर्विस ले रहा है जो कि ऑडिट नहीं, ऑडिट के टाइप की है। यानी कुछ वेरिफिकेशन चाह रहा है बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन नहीं चाह रहा। वो अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन चाह रहा है, जिस पे वो मुझसे कोई ओपिनियन नहीं मांग रहा, वो मुझसे कुछ चीज़ें एग्री करवा रहा है। वो मुझसे कुछ चीज़ें एग्री करवा रहा है कि मैं ये वेरीफाई करूँगा, ये वेरीफाई करूँगा, ये वेरीफाई करूँगा, जिसको मैं इस वाले ISRS के तहत जो मैं शुरू करवाने वाला हूँ, उसको मैं कहता हूँ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। ये एक ऐसी इंगेजमेंट है जिसको मैं नाम देता हूँ इंगेजमेंट ऑफ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। यानी एक ऐसी इंगेजमेंट है जो कि ऑर्डर्ड इंगेजमेंट नहीं है, ये इंगेजमेंट मेरे बीच में और मेरे क्लाइंट के बीच में है, जिसमें कुछ प्रोसीजर्स तय पाए गए और उसी तय किए गए प्रोसीजर्स पे, मैं काम करूँगा और मैं उसको उसकी फाइंडिंग्स बता दूंगा। मेरी बात समझिएगा, मैं कोई अश्योरेंस नहीं दे रहा, मैं उसको अपनी फाइंडिंग्स बताऊंगा कि लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूं भाई, अगर जो रजिस्टर्ड डीलर है या नहीं है तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा भाई लेटर दिखा दो कि रजिस्टर्ड डीलर है या नहीं है। तो मैं उसके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं दूंगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू, भाई ये नहीं कह सकता मैं, ये अल्फाज अलाउड नहीं है क्योंकि रिलेटेड सर्विस है, दिस इज़ नॉट एन ओपिनियन। मैं सिर्फ अपनी रिपोर्ट के अंदर इसी टेस्ट के अगेंस्ट में ये बता दूंगा कि हाँ भाई क्या रजिस्टर्ड डीलर है या नहीं है, दैट्स इट। मैं सिर्फ ये बता दूंगा कि क्या रजिस्टर्ड डीलर है या नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि इस वाले केस के अंदर, रिलेटेड सर्विसेज के अंदर, आप अश्योरेंस नहीं देते, दिस इज़ नॉट एन ओपिनियन। तो सर बिस्मिल्लाह करते हैं अपने इस वॉल्यूम के पहले चैप्टर की, जिसका नाम है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। वो कहता यह है कि यहाँ पे इस ISRS का स्कोप क्या है, कि यहाँ पे प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब वो इंगेज किया जाए किस चीज़ के लिए, परफॉर्म करने के लिए एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, और फिर दूसरी इसकी जिम्मेदारी है कि वो फॉर्म करेगा क्या एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स पे, एक रिपोर्ट देगा। तो यही ISRS मुझे बताएगा कि उस रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, जो कि कंक्लूजन हरगिज़ नहीं होगा, अब ज़रा फोकस होकर मेरी बात समझें, बहुत ही जो डिफरेंस है ना, वो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस पे से सीधा सीधा सवाल आता है, 15-20 नंबर की ग्रेड इसकी अपनी है। तो हम उसको सुकून और तामुल से लेके चलते हैं। वापस से सुने, मैं कह रहा हूँ पहली चीज़, क्या ये अश्योरेंस इंगेजमेंट है? नो। क्या ये ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज? यस। तभी इसका नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। तो अगर आप रिलेटेड सर्विस दे रहे हैं, वो कौन सी सर्विस दे रहे हैं? सर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स की सर्विस दे रहे हैं, जिसमें आप कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, उस प्रोसीजर्स की जो फाइंडिंग आएंगी उसको मैं कहता हूँ फैक्चुअल फाइंडिंग। मैंने ये काम किया, तो जवाब आएगा यस या नो, या तो ऑथराइज डीलर है या नहीं है, दैट्स इट, कहानी खत्म। क्या शेयर्स उनके नाम पे हैं? यस और नो, हम बोलेंगे यस शेयर्स उनके नाम पे हैं। हम यहाँ पे कोई ओपिनियन नहीं दे रहे, हम यहाँ पे कह रहे हैं जो मैंने काम किया उसकी फैक्चुअल फाइंडिंग है, दैट्स इट। अब आप खुद समझें, आपको उससे जो समझना है खुद समझें, हमारा कोई ओपिनियन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको एंटिटी इंगेज करती है, जिसको मैं कहता हूँ इंगेजिंग पार्टी। इस ISRS के तहत उसको क्या कहता हूँ? इंगेजिंग पार्टी। इंगेजिंग पार्टी वो पार्टी है अभी फिलहाल जिसने आपको इंगेज किया है।
क्या परफॉर्म करने के लिए, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए, क्या उस पर ओपिनियन चाहिए, नहीं, वो बोलेगा ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करो, इसके जो बदले में जो फाइंडिंग आई है वो बता दो, जिसको हम कहते हैं आप और मैं बैठ के तय कर लेंगे, यही है मैं चेक करूंगा, उस चेक करने के जो नतीजे जाएंगे, तो मैं बोल लूंगा, अब लेट्स से पहला मैंने पूछा कि इज देयर एनी ऑथराइज डीलर और नॉट, तो मैं बोलूंगा यस देयर इज अ ऑथराइज डीलर, दैट्स इट। मैं ये नहीं कहूंगा कि देयर इज अ, मतलब दिस इज गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू इन आवर ओपिनियन, ओपिनियन नहीं दे रहे, आप फैक्चुअल फाइंडिंग बता रहे हैं, क्योंकि वो अश्योरेंस आप यहाँ पर नहीं दे सकते, दिस इज नॉन अश्योरेंस इंगेजमेंट। पहले बताओ बात क्लियर है जानी, गुड हो गया। आगे फिर वो बोलता है कि भाई ये ISRS अप्लाई होता है परफॉर्मेंस फॉर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर इंगेजमेंट ऑन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। इस मेरे वाले केस में सब्जेक्ट मैटर क्या था, डिविडेंड रेमिटेंस, यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या, डिविडेंड रेमिटेंस, वजह वजह ऑफ कंडक्टिंग दिस एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, वो वजह पूछ रहा है, तो उसको उस वजह को मैं क्या कहूँगा, सब्जेक्ट मैटर, वो फाइनेंशियल भी हो सकता है नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। फाइनेंशियल की एग्जाम्पल दें, लेट से मेरा एक क्लाइंट है, सही जी, जिसने लाइसेंस लिया हुआ, जैसे मैकडोनल्ड्स है, उसको रॉयल्टी पे करनी होती है, उसको क्या पे करनी होती है, रॉयल्टी पे करनी होती है, तो मुझे क्लाइंट इंगेज करता है इसलिए नहीं, बात समझिएगा, इसलिए नहीं, देखो दो चीज़ों को मिक्स करूँगा मैं, अगर मैं रिसीवेबल्स का या सेल्स का ऑडिट करके दूँ, रिसीवेबल्स का या सेल्स का क्या करके दूँ, ऑडिट करके दूँ, तो वो स्पेसिफिक एलिमेंट में आ जाएगा, उस पर मुझे अश्योरेंस देनी होगी, उस पर मुझे क्या देनी होगी, अश्योरेंस देनी होगी, कब, जब मैं कहूँगा कि मैं सेल्स का ऑडिट कर रहा हूँ, सर हेयर आई एम नॉट डूइंग ऑडिट। अब इसको यूँ समझो, अब अगर मुझे सामने वाला क्लाइंट अपॉइंट कर रहा है और मुझसे कुछ प्रोसीजर्स एग्री कर रहा है और मुझे ये कह रहा है कि आप ये बताएं कि क्या, प्लीज़ सुनिएगा, क्या सेल्स की पेमेंट आई या नहीं, यानी इन एन इनवॉइसिस की पेमेंट जो रॉयल्टी की बनती है मैंने की या नहीं की, तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई मेरा एग्री किया गया प्रोसीजर्स था कि वेदर इन पेमेंट फॉर रॉयल्टी हैव बीन मेड और नॉट, तो मेरा कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन मतलब यहाँ पे ओपिनियन नहीं दूंगा मैं उसका उसी का फैक्ट बताऊंगा, फैक्चुअल फाइंडिंग बताऊंगा, यस दैट द पेमेंट्स हैव बीन मेड, दैट्स इट, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है इसके ऊपर। अच्छा इसमें उसमें क्या फ़र्क है, उसमें मैं देखता कि क्या वाकई में वैल्यू सही है या नहीं है। अब लेट्स से वो कहता है इसके अंदर कि एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में ये लिखा हुआ है कि टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, रॉयल्टी परसेंटेज, टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय रॉयल्टी परसेंटेज, तो मैंने सेल्स को वेरीफाई नहीं किया कि सेल्स ऑथेंटिक है या नहीं है, मैं ओपिनियन नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सेल्स मल्टीप्लाई बाय रॉयल्टी परसेंटेज की अमाउंट ये आ रही है, ये फैक्ट बता दूंगा, दैट्स इट। यहाँ पे मैं ऑडिट नहीं कर रहा, मैं प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा हूँ, यानी सर आपने एक बेसिक फर्क समझा, आप दोनों को मिक्स नहीं कीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे उस स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट कर रहा होता तो 805 पे चला जाता, पर यहाँ पे मैं किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्रीड अपॉन प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूँ, वो भी किसी इंटेंडेड यूज़र के लिए, जिसको मैं ओपिनियन नहीं दे रहा, जिसको मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ जो तुम मुझसे एग्री कर रहे हो वो मैं तुम्हें बता के निकल जाऊँगा, ये फैक्चुअल फाइंडिंग होगी जो तुम कहोगे उसकी, इसके अलावा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ ये कहलाते हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, यहाँ पर आप ओपिनियन नहीं देते, ये कोई रीजनेबल या रिव्यू रिपोर्ट नहीं है, ये कोई एश्योरेंस नहीं है, ये सिर्फ फैक्चुअल फाइंडिंग है, क्लियर है, आगे सुनिएगा। अच्छा भाई फिर वो कहता ये है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर इंगेजमेंट में हम जो है प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं जो कि एग्री किए जाते हैं इंगेजिंग पार्टी से, एग्री किए जाते हैं किससे, इंगेजिंग पार्टी से। अच्छा अब यूजुअली मेरी इंगेजिंग पार्टी रिस्पॉन्सिबल पार्टी भी होती है, सर ये वाली बात क्या कही आपने, इंगेजिंग पार्टी इक्वल्स टू रिस्पॉन्सिबल पार्टी का मतलब ये है कि जिसने मुझे इंगेज किया है प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए वही जिम्मेदार है उस चीज़ की, मुझे डेटा देने की, सारी चीज़ें करने की। पर क्या बाज़ अवकात ऐसा होता है कि कोई और, यस है, अगर रेगुलर, अगर फॉर एग्जांपल रेगुलेटर मुझे अपॉइंट करे और बोले ये प्रोसीजर परफॉर्म करके दो उसके ऊपर, तो यहाँ पे मेरी जो इंगेजिंग पार्टी है वो अलग है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी अलग है, इंगेजिंग पार्टी अलग है और रिस्पॉन्सिबल पार्टी अलग है। और इसमें ये भी याद रखिएगा, यूज़र एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इस रिपोर्ट के यूजर, इंटेंडेड यूजर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो सर ये जनरल पर्पस नहीं हो गया, नहीं। अब लेट्स से जो मैंने आपको डिविडेंड रेमिटेंस वाली एग्जांपल दी, उसके इंटेंडेड यूजर्स कितने हैं, दो, एक तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, दूसरा सर कंपनी इटसेल्फ, तो दो इंटेंडेड यूजर हो गए ना, उसमें से इंगेजिंग पार्टी कौन है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नहीं, मुझे कंपनी ने इंगेज किया, इंगेजिंग पार्टी कौन है, कंपनी, जिम्मेदारी किसकी, कंपनी की, बात क्लियर है, आगे देखिएगा। फिर यहाँ पे भी लिखा मैंने,
इंटेंडेड यूजर्स अदर देन द एंगेजिंग पार्टी में ऑल्सो एक्नॉलेज द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ दी प्रोसीजर्स। वो बोलता ही है कि भाई जब आप एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स की इंगेजमेंट में एंटर होंगे तो यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, आपने पहले ही जो भी प्रोसीजर्स हैं सामने वाले से तय कर लेना है। ऐसा नहीं हो बाद में वो ये बोले कि यार ये तो नहीं था, ये प्रोसीजर थे नहीं, तो आप पहले ही एग्री करेंगे ये प्रोसीजर्स हैं, इसके जो भी नतीजे जाएंगे वो फैक्ट मैं आपको बता दूंगा, फैक्चुअल फाइंडिंग आया कि कोई एक्सेप्शन है या नहीं है, दैट्स इट। बात क्लियर है? अच्छा जी, यानी सर तो क्या मैं कह सकता हूँ ये सब स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं? भाई ये नॉर्मल सब स्टैंडर्ड प्रोसीजर हैं, बट इस पर आप कोई कंक्लूजन नहीं देते, कोई वर्ड्स आपके ऐसे नहीं हैं जिसमें इन आर ओपिनियन दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, यानी दिस बैलेंस इज गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, ऐसा कभी भी नहीं लिखते आप। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के रिपोर्ट का मकसद ही ये होता है कि जो प्रोसीजर्स लिखे हुए होते हैं, जो प्रोसीजर्स लिखे हुए होते हैं, जो हमने प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, उसका नीचे फैक्ट बता देते हैं कि इसकी फाइंडिंग ये प्रोसीजर परफॉर्म किए थे, इससे जो है फाइंडिंग्स ये आई हैं, दैट्स इट। बाकी आप जो समझना आपको समझें, इसके बाद हमारा कोई गर्ज नहीं है। और आयजा में भी ये लिखा हुआ है, इस आईएसआरएस में भी ये लिखा हुआ है कि वंस यू हैव परफॉर्म द प्रोसीजर्स, आपने प्रोसीजर परफॉर्म किए, उसकी फैक्चुअल फाइंडिंग बता दी, आप कोई कंक्लूजन नहीं देते, आप बोलते हैं खुद समझें आप, क्योंकि हमें सिर्फ अपॉइंट किया गया था किस चीज़ के लिए जानी, इस चीज़ के लिए कि ये प्रोसीजर परफॉर्म करोगे और उसकी फाइंडिंग ये। इवन मैं आपको इसकी रिपोर्ट दिखाऊंगा ना, उस रिपोर्ट के अंदर भी रिपोर्ट का फॉर्मेट ऐसा है कि वहाँ पे आपके आते हैं एग्रीड प्रोसीजर्स एंड रिलेटेड फाइंडिंग्स, कि ये प्रोसीजर परफॉर्म करके ये नतीजे मिला, ये प्रोसीजर परफॉर्म करके ये नतीजे मिला। यहाँ पे मैं हरगिज़ नहीं कहता कि मैंने सारे प्रोसीजर परफॉर्म किए, ऑडिट आयजा के तहत किया, हैंस वी आर सेइंग दैट दीज आर गिविंग ट्रू एंड फेयर रिव्यू, ऐसा कुछ भी नहीं लिखते। उस प्रोसीजर से जो आंसर आया वो लिखेंगे, रॉयल्टी पे परसेंटेज अप्लाई की, सेल्स पे परसेंटेज अप्लाई की, मतलब दिस विल रिजल्ट इन दिस अमाउंट, दैट्स इट, खत्म, फैक्ट बता दिया। अब आपने कंक्लूजन खुद ड्रॉ करना है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तभी मैं कह रहा हूँ कि ये रीजनेबल अश्योरेंस कोई अश्योरेंस रिपोर्ट नहीं है। आगे देखिएगा। अब सर फिर वो कहता ही है कि भाई हम कम्युनिकेट करते हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंड रिलेटेड फाइंडिंग्स इन दी एग्रीड अपॉन प्रोसीजर रिपोर्ट। अब बहुत अहम बात समझिएगा जो पूरी कहानी में बताई, वो कहता ही है कि फाइंडिंग्स एक्सक्लूड द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन और अ कंक्लूजन एज वेल एज एनी रिकमेंडेशंस दैट द प्रैक्टिशनर मे मेक। वो बोल रहा है जो आपकी फाइंडिंग्स है ना, फाइंडिंग्स प्रोसीजर्स की फाइंडिंग्स, वो किसी ओपिनियन की फॉर्म में नहीं होंगी, वो ओपिनियन नहीं कहलाएगी, कभी भी ओपिनियन नहीं होगी, ना कि किसी फॉर्म का कंक्लूजन होगा कि भाई कोई ये इंटरप्रेट करे कि आपने ये प्रोसीजर परफॉर्म करके इत्मीनान सुकून हासिल कर लिया और आप लोगों को बता दें कि रिलाई करो उस पर, ऐसा कुछ भी नहीं। आपने जो प्रोसीजर परफॉर्म किया उसके अगेंस्ट में आपका जो रिजल्ट आया, आपने वो रिजल्ट लिखना है, कहीं आपने ऐसा अल्फाज यूज ही नहीं करना इन आर ओपिनियन, अपना ओपिनियन अपने पास रखता है आपने, ये नहीं देना। ये कब देते हो? जब अश्योरेंस दे रहे होते हो। यहाँ पे यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग अश्योरेंस। मैं क्यों कह रहा हूँ? ताकि दिमाग में बात भेजे में फिक्स हो जाए, अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ। आगे फिर वो कहता है प्रैक्टिशनर मे यूज़ द टर्म फैक्चुअल फाइंडिंग इन प्लेस ऑफ फाइंडिंग्स, फॉर एग्जाम्पल इन केसेज वेयर द प्रैक्टिशनर इज कंसर्न दैट द फाइंडिंग्स मे बी मिसअंडरस्टूड। यानी देखो इतना मतलब विजिलेंट होकर ये आईएसआरएस बनाया गया, वो बोला चाहो तो फाइंडिंग की जगह रिपोर्ट में फैक्चुअल फाइंडिंग लिख देना कि फैक्ट है, एक फैक्ट को मैंने चेक किया है, उस फैक्ट की ये फैक्चुअल फाइंडिंग है। तो वो कह रहे चाहो तो फैक्चुअल फाइंडिंग यूज कर लो, ताकि फाइंडिंग्स को देख के कोई समझे नहीं वाह यार इसने तो ये पूरा ओपिनियन दिया। नहीं, ओपिनियन आपने नहीं दिया। अब आगे वो कहता है ये कि एग्रीड अपॉन प्रोसीजर इंगेजमेंट इज नॉट एन ऑडिट रिव्यू और अदर एश्योरेंस इंगेजमेंट, ये कोई एश्योरेंस इंगेजमेंट नहीं है। एन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर इंगेजमेंट डज नॉट इन्वॉल्व ऑब्टेनिंग एन एविडेंस फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन एंड एश्योरेंस कंक्लूजन इन एनी फॉर्म। यानी यहाँ पे हम कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर रहे हैं कि मैं ओपिनियन दूंगा, यहाँ पे मुझे वो कह रहा है कि भाई ये काम है कर लो, जो आंसर आया वो बता दो, दैट्स इट, ताकि उसका अपना पर्पस फुलफिल हो जाए, जिसको मैं कहता हूँ सब्जेक्ट मैटर, कि मकसद क्या था अपॉइंट करने का। क्लियर है? अच्छा, मैंने आपके लिए फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, डिविडेंड रेमिटेंस मैंने आपको बता दी। अब हो सकता है आपने अपने क्लाइंट पे किया हो नहीं किया हो, बाज़ औक़ात कंपनी राइट इशू करती है। अब राइट इशू करने के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी CDC और इवन SECP सर्टिफिकेट मांगता है ऑडिटर का, जिसके अंदर CDC कहता है कि भाई मैं नहीं जानता, आप अपने ऑडिटर से सर्टिफिकेट लेके दो कि जो आपने नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर किए थे उसको वेरीफाई कराओ। सही है जी? कि फिर हम अपने इंगेजमेंट लेटर में क्या लिखेंगे कि एग्री करेंगे ये प्रोसीजर कि वी विल चेक
क्या चेक करेंगे? दैट ऑफर हैज़ बीन मेड टू ऑल द शेयर होल्डर्स, पहली चीज़, सही जी। फिर हम बोलेंगे ऑफर हैज़ बीन मेड टू द शेयर होल्डर्स हु हैव एक्सेप्टेड, यानी भाई फिर तो डिक्लाइन हो जाता है ना, जो रिप्लाई नहीं करता वो डिक्लाइन, और जिसने मुंह पे मना कर दिया। फिर वापस से ऑफर जाती है उन शेयर होल्डर्स को जो कि एक्सेप्ट कर लेते हैं राइट ऑफर। फिर हम क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन मनी आती है, तो मैं कहूँगा कि वी विल इंस्पेक्ट बैंक स्टेटमेंट फॉर द पर्पज ऑफ चेकिंग, मैं वेरीफाइंग नहीं, चेकिंग, इतना इतना क्लियर वर्ड लिख रहा हूँ, फॉर द पर्पज ऑफ चेकिंग बैंक रिसीट्स। ये भी नहीं लिखता वेदर द बैंक रिसीट्स हैज़ बीन रिसीव्ड और नॉट, ऐसा कोई अल्फाज यूज़ नहीं करना जिससे लगे कि आप ओपिनियन देने जा रहे हैं, सबूत इकट्ठा करें, नहीं भाई, वी विल चेक रिसीट्स फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट, बस ऐसे अल्फाज यूज़ करने हैं कि हम चेक कर लेंगे बैंक रिसीट्स फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट्स। और फिर हम बोलेंगे इसका कंक्लूजन, फैक्चुअल फाइंडिंग, कंक्लूजन कह रहा हूँ सॉरी, फैक्चुअल फाइंडिंग क्या आएगी, बैंक रिसीट्स वॉज रिसीव्ड। या तो इसमें भी कहता है, इसमें कहता है इतना विजिलेंट रहो, कहो नो एक्सेप्शन नोटेड, बात समझ आ रही है? यानी सर आपने फैक्चुअल फाइंडिंग बतानी है, आपने क्या बतानी है, फैक्चुअल फाइंडिंग के जो हुआ है आगे। अब सर फिक्स एसेट, हो सकता है फिक्स एसेट की फिजिकल वाउचिंग के लिए रिमोट साइट्स पे आपको भेजा जाए, वाउचिंग ऑफ फिजिकल एसेट परचेज इनवाइस, वो कहे कि भाई आपको ये 50 इनवाइसेज वाउच करनी है, हम बोलेंगे हाँ ये 50 इनवाइसेज वाउच किए हैं, तो हम ये तो नहीं लिख रहे कि दीज इनवाइसेज या दिस फिगर इज गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। हम बोलेंगे कि वी विल इंस्पेक्ट 50 इनवाइसेस, और कंक्लूजन क्या आएगा, वी हैव इंस्पेक्टेड 50 इनवाइसेस, बस। अब सामने वाला खुद सोचे कि क्या ऑडिटर की इस बात पे यकीन करना है या नहीं करना, बात समझ आ रही है? अच्छा, बात पे यकीन करने का मतलब यहाँ पर यह है कि क्या कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना है या नहीं करना, वो खुद करेगा, आप कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर रहे, आपकी इस बात से कंक्लूजन कोई और ड्रॉ करेगा। जब आप आई सारे रीड करेंगे ना, उसमें जगह जगह लिखा हुआ है, यू डोंट नीड टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन, यू नीड टू रिपोर्ट फैक्चुअल फाइंडिंग फ्रॉम विच यूजर विल ड्रॉ कंक्लूजन, जो यूजर है वो खुद ड्रॉ करेगा कंक्लूजन, आप यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर रहे। आप बता दें कि हाँ भाई हम वो बोल रहे थे 50 इनवॉइसेस देखेंगे, हम बोलेंगे यस 50 इनवॉइसेस देख ली, तो जिस जो सब्जेक्ट मैटर है या जो इंगेजिंग पार्टी है उसका मकसद इससे पूरा हो जाए, ये हमारे लिए काफ़ी है। क्लियर है? आगे फिर वो कहता ही है कि अब आप इस आयजा को शुरू करें, इस आयजा का ऑब्जेक्टिव क्या है, एग्री करना है इंगेजिंग पार्टी से प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड, फिर परफॉर्म करने हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, और फिर कम्युनिकेट करने प्रोसीजर्स परफॉर्म एंड द रिलेटेड फाइंडिंग इन अकॉर्डिंग। अब देखो बात सुनो, पहले मैं एग्री कर रहा हूँ प्रोसीजर्स, ये मैं कैसे एग्री करूँगा सर, इंगेजमेंट लेटर के जरिए, इसका भी इंगेजमेंट लेटर बनेगा, डेफिनेटली यस। फिर वो बोल रहा है वही प्रोसीजर जो एग्री किए हैं वो परफॉर्म करो, और फिर आगे कह रहा है कि जो प्रोसीजर परफॉर्म किए थे, जो एग्री भी किए थे ईएल में, वो रिपोर्ट में वापस लिखो। अभी मैं आपको रिपोर्ट का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, रिपोर्ट में प्रोसीजर्स भी लिखे हुए होते हैं, वी हैव परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसीजर्स, वहाँ पे अल्फाज लिखता हूँ मैं, वी हैव परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसीजर्स एग्रीड विथ यू ऑन दिस एक्स वाई जी डेट एंड रिलेटेड फाइंडिंग्स देयर ऑन, यानी मैं बताता हूँ रिपोर्ट के अंदर ही कि मैंने आपसे ये प्रोसीजर्स इस इंगेजमेंट लेटर के तहत एग्री किए थे, वो ये रहे और इसकी फाइंडिंग्स ये है, कि अगर 50 इनवॉइसेस इंस्पेक्ट करनी थी मैंने कर ली, मैंने देखना था ऑथराइज डीलर है तो वी हैव चेक ऑथराइज डीलर है या नहीं है, ख़त्म बात। फिर हमने ये देखना था कि क्या डिविडेंड की परसेंटेज नंबर ऑफ शेयर्स पे, यानी शेयर कैपिटल पे सही लगी या नहीं लगी, तो हम क्या लिखते हैं इसमें, प्रोसीजर क्या लिखते हैं, वी विल चेक द अमाउंट ऑफ डिविडेंड बाय अप्लाइंग परसेंटेज ऑफ डिविडेंड ऑन नंबर ऑफ शेयर्स, और फिर उसका फैक्ट बता देंगे कि अमाउंट ऑफ डिविडेंड फॉर दिस 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 इंडिविजुअल आफ्टर अप्लाइंग डिविडेंड परसेंटेज ऑन दी शेयर कैपिटल आर दीज अमाउंट्स, फैक्ट बता दिया मैंने, ये तो नहीं कहा कि वो सही है वो गलत है, मैंने फैक्ट बता दिया, जो किया उसका आंसर ये है भाई, बस अब खुद समझो, तुम्हें अश्योरेंस लेनी है इस पे, लो नहीं लेनी, नहीं लो तुम्हारी मर्जी। मैं क्यों इतना एम्फोसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अश्योरेंस नहीं है, ये भेजे में फिक्स हो जानी चाहिए बात, क्योंकि कल को मैं तुम्हें बताता हूँ एक वाकया, मैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर की रिपोर्ट कर रहा था, तो मेरे बच्चे ने किया क्या, कुछ वर्डिंग्स ऐसी लिखी जो कंक्लूसिव नेचर की रख ली थी, क्या लग रही थी, कंक्लूसिव नेचर की लग रही थी वर्डिंग। अच्छा, अब लिखा क्या था उसने, यही डिविडेंड रेमिटेंस का असाइनमेंट था, तो उसने ये कहा कि भाई पहले तो प्रोसीजर है ना कि वी विल अप्लाई डिविडेंड परसेंटेज ऑन द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल टू चेक, उसने क्या लिखा आगे, टू चेक वेदर द डिविडेंड अमाउंट इज अप्रोप्रिएट और नॉट। भाई ये क्यों लिखने की नीड है, आप सिंपल लिखे ना कि वी विल अप्लाई परसेंटेज ऑफ डिविडेंड ऑन अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, ये क्या बात हुई, टू चेक वेदर द अमाउंट इज अप्रोप्रिएट और नॉट, ये तो भाई आप तो अश्योरेंस ऑब्टेन कर रहे हैं,
ऐसी कोई बात आपने नहीं करनी है जो उस तरफ लेके जाए कि जो अश्योरेंस है, क्योंकि इस पर अपना एग्जामिनर मार्क्स काटेगा और ये प्रैक्टिकली भी अलाउड नहीं है, क्योंकि आपने कोई ऐसा व्यू नहीं देना, कोई ऐसी आपने बात नहीं करनी जिससे लगी आपने अश्योरेंस दी है। तो आपने कुछ वर्ड्स को अवॉइड करना है जो कि मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, क्लियर है? आगे फिर वो बोलता ही है कि भाई आपने एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है। यानी सर देखें, यहाँ पे इस इंगेजमेंट को परफॉर्म करने में, सही है जी, आपने एथिकल रिक्वायरमेंट्स पे कंप्लाई करना, और कौन सी एथिकल रिक्वायरमेंट्स? वही कोड ऑफ एथिक्स वाली, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, ये पांच प्रिंसिपल से आपने कंप्लाई करना है। आपने बायसनेस को बीच में नहीं आने देना। इफ़ यू आर बायस, आप ये नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहता ही है कि भाई आपने अपने आप को किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ एसोसिएट नहीं करना जो कि फॉल्स और मिसलीडिंग हो। आपने ऑब्जेक्टिवली काम करना है, बायस या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं आने देना। अब लेट्स से एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, समझिएगा। अगर डिविडेंड रेमिटेंस का असाइनमेंट है, ये तो नॉन फाइनेंशियल चीज़ थी ना कि भाई आपको एक एक उस पर सर्टिफिकेट देना है कि भाई सही है या ये तो सी ये परफॉर्म किया है। अब वहाँ पर आपका रिश्तेदार है जो फॉरेन शेयर होल्डर है, सही है जी, तो मुझे एक बात बताओ, उसका ऑथराइज डीलर अगर नहीं है यहाँ पे या व्हाट्स एवर कोई भी पंगा है, तो आप तो बोलोगे जानने दिया, बोलेगा चीज़ जाने दी थी मुझे, मुझे पैसे भिजवा दियो वहाँ से। तो यार ये भी अलाउड नहीं है ना, आपका पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए, ना कि अलाउड है। फिर वो कहता ये है कि भाई जो इंगेजमेंट पार्टनर है, जो इंगेजमेंट पार्टनर है वो रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी कंट्रोल के लिए। वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? क्वालिटी कंट्रोल के लिए। अब यहाँ पे आप जब इस ISRS को खोल के देखेंगे ना, वहाँ पे लिखा हुआ है ISQC 1। जैसे इदारे में कंट्रोल्स होते हैं ना, इदारे में किसी एंटिटी के अंदर, कि सेल्स करने से पहले मैं कस्टमर की क्रेडिट रेटिंग को सेट करता हूँ या चेक करता हूँ, गुड डिस्पैच होते हैं तो गुड डिस्पैच नोट बनाता हूँ, सेल्स ऑर्डर बनाता हूँ, सही है जी, और फिर मैं अगेन एंड अगेन एजिंग देख रहा होता हूँ, फॉलोअप्स कर रहा होता हूँ, ये सारी चीज़ें ये कंट्रोल्स हैं इदारे के। ये क्या है? कंट्रोल्स हैं। एजिंग क्यों बनाता हूँ? क्योंकि कंट्रोल लगाया हुआ ना कि मेरा जो रिसीवेबल्स है वो बैड डेट्स नहीं हो जाए, मैं कंटिन्यूसली टाइमली फॉलोअप करता रहूँ, मैं जो क्रेडिट रेटिंग सेट या चेक करता हूँ क्यों करता हूँ? ताकि किसी ऐसे बंदे को माल नहीं दूँ जो कि ऑलरेडी उधार पे मुझसे ले चुका है, उसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, टू अवॉइड बैड डेट्स। ये सारे कंट्रोल है ना, ये सारे कंट्रोल है ना। तो भाई वो कंट्रोल जो इदारे लगाता है वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लगाता है। ये ISQC आपको कहता है कि ऑडिटर ने, ऑडिट फर्म ने भी कंट्रोल लगाना है। कंट्रोल लगाने, वो कंट्रोल्स क्या है भाई? ये जो इंगेजमेंट परफॉर्म करे वो इस इंगेजमेंट परफॉर्म करने के लायक हो, कॉम्पिटेंट हो, उस टीम के अंदर प्रॉपर रिव्यूज़ हो। यानी कोई बंदा अगर ये एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए किसी एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट हो, तो उस एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है तो फिर वो एक्सपर्ट का ऐसा खुल जाएगा कि भाई उस एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी आपने चेक करनी है, क्या वो एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट है या नहीं है, जिसको मैं, उसको मैं कहता हूँ प्रैक्टिशनर एक्सपर्ट। यानी यहाँ पे इस ISRS के तहत वो कहता ही है कि जो इंगेजमेंट पार्टनर होता है ना, यहाँ पे उसको हम प्रैक्टिशनर कहते हैं। यानी यहाँ पे क्योंकि वो ऑडिट से हटकर है ना, ऑडिट सर्विस नहीं है ये रिलेटेड सर्विस है, तो यहाँ पे इंगेजमेंट पार्टनर का नाम दिया गया है प्रैक्टिशनर। तो वो कहता ये है कि प्रैक्टिशनर को करना क्या है? प्रैक्टिशनर को एक क्वालिटी कंट्रोल का एनवायरनमेंट मेंटेन करना है विद इन द फर्म, कि क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स परफॉर्म करने। वो क्या है अभी आगे सिखाता हूँ, वो क्या है अभी आगे सिखाता हूँ, पर वो कहता ही है कि इसने प्रॉपर क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स फॉलो करने, और क्लाइंट कंटिन्यूस प्रोसीजर अगर क्लाइंट ऑलरेडी एक्सेप्टेड है। दूसरी चीज़, उसने कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंस देखनी है अपने लोगों की, उसने देखना है कि हमारे लोग इंडिपेंडेंट है या नहीं है, क्या कोई एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, क्या प्रॉपर रिव्यूज़ हो रहे नहीं हो रहे। ईच एंड एवरी वन इन द टीम परफॉर्मिंग दिस इंगेजमेंट शुड हैव अ प्रॉपर कॉम्पिटेंसीज टू परफॉर्म दिस इंगेजमेंट। इंगेजमेंट लेटर प्रॉपरली साइन होना चाहिए। इवन ये भी इंश्योर करेगा, ये प्रैक्टिशनर, मैं प्रैक्टिशनर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इंगेजमेंट पार्टनर का वर्ड रिप्लेस हुआ है। इस प्रैक्टिशनर को ये तक देखना है, इस प्रैक्टिशनर को बच्चों ये तक देखना है कि कहीं कोई इंगेजमेंट लेटर में ऐसी लफाजी, ऐसी वर्डिंग, ऐसा प्रोसीजर तो तय नहीं हो जाए जिसका कंक्लूजन निकले पे, जबकि कंक्लूजन मुझे देना ही नहीं है, मुझे देनी है फैक्चुअल फाइंडिंग। आई होप अभी आपको स्कोप ऑफ ISRS 4400 क्लियर है। यानी सर अभी क्या सीखा पहली क्लास में? पहली क्लास में मैंने ये सीखा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड दिस ISRS, और फिर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के मकसद क्या होते हैं, हमने कुछ जार्गन सीखे, सब्जेक्ट मैटर जिसके लिए ये काम किया जा रहा है, बात क्लियर है? तो सर अभी इसको यहाँ तक रखते हैं, बाकी कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास में। जज़ाकअल्लाह।